नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं कॉल मिरर, हर पल आपके साथ। सबसे पहले मैं जो प्रिंट मीडिया के साथी हैं उनके लिए प्रेस स्टेटमेंट जो है वो जारी करता हूँ, और उसके बाद से जो है वो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधु है उनके लिए जो अलग से मैं माइक जो है वो दूंगा, उसके बाद से क्वेश्चन आर सेशन जो है वो होगा। ये तीन कंपोनेंट रहेंगे। आप सभी लोगों को ज्ञात है कि आज 4:30 बजे से 5 बजे के बीच ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन के द्वारा झारखंड में जो चुनाव की घोषणा जो वो की गई है, और घोषणा के साथ ही अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो प्रभावी हो गया। अगर मैं धनबाद के बारे में बात करूं तो धनबाद जिले में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं और कुल 2378 मतदान केंद्र हैं जो कि 1321 पोलिंग स्टेशन लोकेशन पर अवस्थित हैं। अभी तक जो सेकंड स्पेशल समरी डिवीजन किया गया जिसका अंतिम प्रकाशन 12 अक्टूबर को किया गया, 22 नवंबर को गजट पब्लिकेशन होगा। नॉमिनेशन फाइल करने की अंतिम तिथि 29 नवंबर को, स्क्रूटनी 30 नवंबर 2019 को, लास्ट डेट फॉर विथड्रॉवल ऑफ कैंडिडेचर 2 दिसंबर को, डेट ऑफ पोल जो चुनाव होना है वो 16 दिसंबर को किया जाएगा और काउंटिंग 23 दिसंबर को। तो ये झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई है और इसके अनुरूप 16 दिसंबर को धनबाद जिले में 6 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होना है। इसको लेकर एक जिला सुरक्षा योजना भी हम लोगों ने बनाया है, डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी प्लान भी बनाया है, जिसमें जितने भी बूथ्स हैं और बिल्डिंग्स हैं उनकी सेंसिटिविटी तय की गई है और सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग फोर्सेज की डिप्लॉयमेंट हम लोग करेंगे। उसमें जो CAPF हम लोगों को मिलेगा या अदर जो फोर्सेस का कंपोनेंट मिलेगा उसका प्रॉपर डिप्लॉयमेंट हो, ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त जो भी ट्रबल क्रिएटर्स हो सकते हैं, जो एंटिसिपेटेड ट्रबल क्रिएटर्स हैं जिन पर ये आशंका है कि कहीं ना कहीं ये समस्या उत्पन्न कर सकते हैं, उन लोगों की एक विस्तृत फेहरिस्त थाना OP-VAR बनाई गई है जिनके विरुद्ध CRPC के अंतर्गत और CCA के अंतर्गत हम लोग प्रिवेंटिव एक्शन इंश्योर कर रहे हैं और उसको एक ड्राइव के रूप में लोग आज से लेंगे और ऐसे सभी तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई करेंगे। इसके अतिरिक्त जो भी वायलेशन से रिलेटेड जो भी मामले आते हैं, चाहे वो डिफेसमेंट का मामला हो या इलिसिट लीकर का मामला हो या इलीगल हम्स का मामला हो, इन सभी मामलों को लेकर जैसा भाई मोदी ने बताया कि CVGIL ऐप है, इसके अलावा डायल 100 भी है जिसके माध्यम से पिछले चुनाव में भी हम लोगों को काफ़ी सारी सूचनाएँ मिली थी, तो उस पर लगातार कार्य करने का निर्देश सभी थाना और OP को दिया गया है। इसके अलावा बॉर्डर को सील करने के लिए हम लोगों ने चेक नाकों की पहचान की है, अंतर्राज्यीय बैठक भी हुई है जिसमें जो अपना पड़ोसी राज्य और पड़ोसी जिला वेस्ट बंगाल का है उनके साथ भी हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन किया है कि दोनों ही तरीके तरफ से हम लोग इफेक्टिव चेकिंग लगा करके किसी भी प्रकार से इलिसिट लीकर का या फिर ड्रग्स का या फिर कैश का जो भी अगर इलीगल तरीके से जो ट्रांजेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं या मूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं उसको हम लोग पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकें। तो एक पूरा प्रयास है हम लोगों का लगातार और उसके लिए हम लोगों ने जो योजना बनाई है उसको हम लोग दृढ़ता से लागू करेंगे जिससे कि एक शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हम लोग संपन्न करें। कितने बूथ को आपने सेंसिटिव इंडिकेट किया? सेंसिटिविटी अभी हम लोग तय कर चुके हैं लेकिन सुरक्षा के लिहाज से उसको बताना चाहिए।